मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में वी आर क्लियरिंग डाउट्स ऑफ मास्टर क्लास स्टूडेंट्स ये डाउट्स वो हैं जो आप कोरा पे पोस्ट कर रहे हैं और आज जिस डाउट को मैं आपके सामने क्लियर करने की कोशिश करूंगा दैट इज मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन बहुत से बच्चों ने इस डाउट को पूछा है सबका नाम लिखना संभव नहीं हो पाता है लेकिन कुछ बच्चों के नाम आप यहाँ देख सकते हैं ब्यूला विहास मामली अदिति ये वो बच्चे हैं जिन्होंने डाउट पूछा है और भी बहुत सोने पूछा है सो so, हम कोशिश करेंगे नीट एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से सिंपल शब्दों में इस कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें सो so, चलिए शुरू करते हैं देखिए पहली चीज तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपकी एनसीआरटी हॉर्मोन को डिफाइन कैसे कर रही है सो so, यहां से हमें क्लू मिलेगा तो आपकी एन कह रही है कि हॉर्मोन एक नॉन न्यूट्रिय केमिकल मैसेंजर है सो एक पॉइंट तो उसने ये कहा कि नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मैसेंजर है दिस इज न्यू डेफिनेशन ऑफ हार्मोन गिवन इन योर एनसीईआरटी सो इट इज अ केमिकल मैसेंजर सो वी नो दैट इट कैरीज मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इट इज एक्चुअली अ केमिकल व्हिच इज़ नॉट यूज्ड इन न्यूट्रिशन इट इज़ नॉट अ न्यूट्रिएंट और दूसरी बात ये कह रही है कि दिस इज सिक्रेटेड इन ट्रेस अमाउंट्स दिस इज सिक्रेटेड इन ट्रेस अमाउंट्स और यहीं से हम अपना डिस्कशन शुरू करेंगे पहले तो हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से केमिकल्स हैं विच कैन एक्ट एज हार्मोन्स दूसरा हम ये देखेंगे कि केवल ट्रेस अमाउंट की वजह से कई हार्मोन्स जिनका बड़ा वाइड स्प्रेड एक्शन होता है वो किस तरह से ये इतना एम्पलीफाइड एक्शन हो सकता है किसी एक ऐसे केमिकल के द्वारा जो कि बहुत ही ट्रेस अमाउंट्स में सिक्रिएट हो रहा हो सो पॉइंट नंबर वन पहले मैं आपको ये बताता हूं कि केमिकल मैसेंजर्स कौन कौन से हो सकते हैं तो आपकी एनसीआरटी कह रही है कि हॉर्मोन्स कैन आइदर दर बी पैप्टाइड्स याद कीजिए सो so, बहुत से हॉर्मोन्स पैप्टाइड्स प्रोटीन्स ये बहुत बड़ी एक लिस्ट बनेगी दूसरा हम ये कह रहे हैं दे कैन बी दे कैन

ये तीनों के तीनों न्यूरो का भी काम कर सकते हैं सो so बेसिकली हमें अपना ध्यान एड्रीनलिन और नॉन एड्रीन पर रखना है और मैं कैटेकोलमीन्स की पूरी लिस्ट दे रहा हूँ ये न्यूरो भी हैं हॉर्मोन्स भी हैं जैसा मैंने आपसे कहा कि दे आर डेरीवेटिव ऑफ अमीनो एसिड्स एंड दिस अमीनो एसिड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज टायरोसिन मॉलिक्यूल्स so, में अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अमीनो एसिड के डेरिवेटिव कैटेकोल अमीन है जिसमें ये दो हमारे काम के हैं एड्रीन और नॉन एड्रीनलिन तीसरा ग्रुप आपकी एनसीआरटी कह रही है आर ये भी ये इस इसमें भी टायरोसिन इन्वॉल्व होता है लेकिन टायरोसिन में आयोडीन जोड़ा जाता है और हम ये थायराइड हार्मोन्स की बात कर रहे हैं टी थ्री जिसे आप ट्राई आइडो कहते हैं और टी फोर जिसे थायरोक्सिन या टेट्रा आइडो कहते हैं माइंड यू ये भी इसमें भी टायरोसिन में आयोडीन जोड़ा जाता है इन दोनों में अंतर समझ लीजिए और फाइनली देयर वुड बी स्टीरोड्स सो कुछ हार्मोन्स क्या है स्टीरोड्स हैं स्टीरॉयड्स आर डेरिवेटिव ऑफ द पेरेंट compound which is cholesterol. और हमारी बॉडी में जो स्टीरोड हॉर्मोन से केवल दो ग्लैंड बनाते हैं एक एड्रीनल और दूसरा गोनेड्स सो so इसका मतलब ये स्टीरोड्स हैं और अगर आप देखें तो एल्डोस्टीरोन कॉर्टिजोल और एड्रीनल एंड्रोजन जिसमें डीहाइड्रो एपी एंड्रोस्टीरॉन हो सकता है वो क्या है स्टीरोयड्स हैं सो so यहां पर आपको ध्यान आ गया आप, आपको ये समझ में आ गया कि एड्रीनल कॉर्टेक्स और गोनेड्स सो so देखिए इस तरह से अगर हम याद रखेंगे तो जो

का जो टारगेट सेल है उसके लिए हार्मोन का क्या होगा रिसेप्टर होगा और हार्मोन का रिसेप्टर से इंटरेक्शन पहला इनवेरिएबली इनवेरिएबली ऑलवेज इंपॉर्टेंट एंड मस्ट स्टेप है फॉर मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन सो कोई भी हार्मोन हो कोई कोई भी भी हार्मोन हो उसका पहला काम यही होगा कि वो जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड करे ये इंटरेक्शन इज अ यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट वट एवर मे बी द केमिकल नेचर ऑफ द हॉर्मोन आई होप दिस इज एप्सोल्यूटली क्लियर अब मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं आपसे क्योंकि आपको यह समझना चाहिए कि कुछ हार्मोन्स जो हैं वो लिपिड सॉल्युबल नहीं हैं। सो so, ये जो हमारे पेप्टाइड हॉर्मोन्स हैं और कैटेकोलमीन्स हैं ये लिपिड सोल्यूबल नहीं है इसकी इम्प्लीकेशन क्या है इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि सेल के चारों तरफ एक फॉस्फोलिपिड की सेल मेम्ब्रेन है बाई लेयर फॉस्फोलिपिड बाई लेयर की सेल मेम्ब्रेन है इसका मतलब ये हॉर्मोन सेल के अंदर नहीं जा सकते तो मैं जिस रिसेप्टर की बात कर रहा था वो तो जरूरी है हॉर्मोन के एक्शन होने के लिए वो रिसेप्टर इस टारगेट सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होगा सो आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्यूटली क्लियर सो so, पहली बात आपको यह समझ में आ गई कि इट मे बी प्रेजेंट इट विल बी प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द रिसेप्टर ये इट कैन स्पैन इट कैन स्पैन दल मेम्रेन एज वेल लेकिन ये बाहर की तरफ इसका कुछ ना कुछ पार्ट जरूर होना चाहिए या तो यह सर्फेस पे होना चाहिए या इसका एक डोमेन बाहर सरफेस पे प्रोजेक्ट जरूर करना चाहिए सो so, हम ये कह रहे हैं कि ये जो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है सो लेट अस मेक दो लिपिट बाई लेयर थोड़ा जल्दी से बना लेते हैं फॉस्फोलिपिड बाई लेयर और इस फॉस्फोलिपिड बाईलेयर में मैंने यह कहा कि जो हार्मोन है दिस हार्मोन इज आइदर अ पेप्टाइड

तो ये हार्मोन जाकर के अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा सो दिस दिस विल बाइंड टू रिसेप्टर अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू रिसेप्टर सेलूलर होगा चाहे रिसेप्टर सरफेस पे हो चाहे इंट्रासेलर हो हॉर्मोन की बाइंडिंग इससे सबसे पहला स्टेप है आई होप दिस थिंगली क्लियर और ये जो बाइंडिंग है इट लीड टू सीरीज ऑफ रियक्शन दैट लीड टू दमेशन ऑफ of something let us designate as y. तो सेल में इस हॉर्मोन की वजह से कुछ सीरीज ऑफ रियक्शन हुए और उसकी वजह से सेल में क्या बना वाई बना किस चीज से बना जो पहले से ही एक चीज प्रेजेंट थी कॉल इट एज एक्स सो मेरा मतलब कहने का यह यह है कि जब ये आएगा अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा और इसकी वजह से यह एक्टिवेशन चीजें होंगी इस वजह से सेल में जो एक्स है वो वाई में कन्वर्ट हो जाएगा सो नॉर्मली वाई नहीं होगा वाई कब बनेगा जब हॉर्मोन आकर के बाइंड करेगा आई होप दिस इज दिस्यूटली क्लियर फिर यह जो

कैटेकोलमीं हैं ये सेकेंड मैसेंजर सिस्टम के थ्रू एक्ट करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि इनका एक जो रिसेप्टर है वो सरफेस के ऊपर है हॉर्मोन सेल के अंदर नहीं घुस पाता है क्योंकि वो लिपिड सोल्यूबल नहीं है वो आकर के अपने रिसेप्टर पे बाइंड करता है इस इंटरेक्शन की वजह से देयर इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज अ सेकंड मैसेंजर इन द सेल और फिर वो सेकंड मैसेंजर की वजह से और

से फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल मैंने बना लिया अब इस मॉलिक्यूल के बनने की वजह से इसने इसकी वजह से दो लेटर से मॉलिक्यूल्स और बन गए फिर हर एक की वजह से कोई और मॉलिक्यूल बहुत सारे नंबर में बढ़ गया सो so, अब आप ये देख रहे हैं कि मुझे ये काम करना था इसके बाद इंटर डिपेंडेंट एक तरह से रिएक्शन हो रहे हैं स्टेप्स हो रहे हैं एक की वजह से स्पॉन्टेनियसली दूसरा दूसरे की वजह से तीसरा हो रहा है और हर स्टेप पर जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा होता जा रहा है सो so, इस तरह की चीज को कैसकेट

एक टिपिकल एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरह से हॉर्मोन सेकेंड मैसेजर से एक्ट करता है सो so, uh, इसको एक बार रब करते हैं। जस्ट गिव मी मिनट फॉर दिस एंड लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ हार्मोन इज एबल टू एक्ट थ्रू दजर सो जैसा मैंने आपसे कहा कि कुछ कुछ रिसेप्टर्स इस तरह के भी हो सकते हैं कि लेट अस मेक अ रिसेप्टर समथिंग लाइक दिस जिसका हमने कहा कि बाहर एक डोमेन है इस तरह से बना देते हैं एंड अस से कि ये ये एक प्रोटीन है समथिंग लाइक दिस ये ट्रेवर्स कर रहा है इस तरह से सो फॉर एग्जांपल ये एक रिसेप्टर है अब हमने ये कहा कि हार्मोन आया और हार्मोन आकर के अपने अपने इस रिसेप्टर से बाइंड किया ये इंट्रैक्शन होना जरूरी है इसकी वजह से इस पर्टिकुलर इंट्रैक्शन की वजह से लेटस से कि यहां पर एक प्रोटीन होता है कॉमनली इसे हम कहते हैं जी प्रोटीन इसे हमने कहा जी प्रोटीन सो लेटस से कि ये जो जी प्रोटीन है जनरली इसके तीन सब यूनिट होते हैं अल्फा बीटा गामा ये एक्टिवेट हो गया और इस एक्टिवेशन की वजह से इसकी एक सब यूनिट ने जा के से फॉर एग्जाम्पल एक एंजाइम जो यहाँ पर था उस एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया सो लेट अस से कि इसकी एक सब यूनिट यहाँ से हटी इस इंट्रैक्शन की वजह से जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ और इस जी प्रोटीन ने हमने ये कहा कि जाकर के इस एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया माइंड यू दिस इज एन एंजाइम और इस एंजाइम का नाम है एडीनाइलाइल साइक्लेस ये एंजाइम का नाम है अब ये एंजाइम क्या करेगा कि यहां पर जो ए जब मैं आपको कह रहा था एक्स को वाई में कन्वर्ट कर देगा में. और ये वो है जिसकी मैं बात कर रहा था इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर ये सेकेंड मैसेंजर बन गया जिसे हमने कहा साइक्लिक ए अब ये साइक्लिक ए कुछ और एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा और ये रिस्पॉन्स बड़ा होता जाएगा तो यह साइक्लिक एम पी एक प्रोटीन काइनेस जो साइक्लिक डिपेंडेंट प्रोटीन है जो कि शुरू में इनएक्टिव होता है उसको एक्टिवेट कर देगा सो इट विल एक्टिवेट एन अनदर द रिस्पॉन्स विल बी ऑगमेंटेड सो दिस बिकम्स एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस और ये जो प्रोटीन काइनेस है ये बहुत सारे प्रोटीन्स पर एक्ट करेगा और ये प्रोटीन्स फॉस्फोराट फॉस्फोराइलेट हो जाएंगे सो ए टीपी से रिएक्ट होगा इसमें ऐड हो, इस हो जाएगा ये प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे बहुत सारे प्रोटीन्स एक्टिवेट हो गए एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट दैट दी दी एक्शन कैन बी एक्चुअली ऑन अ लार्ज स्केल सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया दैट हाउ द सेकंड मैसेंजर एक्चुअली एक्ट्स इसीलिए आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि कुछ कॉमन सेकंड मैसेंजर जर है, है, so, हो सकता है अभी मैंने आपको बताया इनोसिटोल फॉस्फेट क्या हो सकता है सेकेंड मैसेंजर हो सकता है डाइएसाइल सेकेंड मैसेंजर हो सकता है कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट से

ये जो रिसेप्टर है देखिए यहां पर भी रिसेप्टर से बाइंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये रिसेप्टर एक्चुअली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा के के लिए सो तो वो भी जाकर के अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे दोनों केसेस में जो रिसेप्टर है वो है एंड देन दिस गोज इन टू द न्यूक्लियस इफ इट इज ऑलरेडी नॉट इन न्यूक्लियस देन इट विल गो इन टू न्यूक्लियस एंड विल बाइंड टू सम सेगमेंट्स इन द द इन डीएनए सो ये किस पर जाकर के बाइंड करेगा डीएनए पर जाकर के बाइंड करेगा

So, कौन सा हार्मोन सेकेंड मैसेंजर की तरह एक्ट करता है चार हार्मोन्स की लिस्ट दी हुई होगी और आपको पेप्टाइड या, आंसर लगाना है। बाकी तीन जैसा हमने या तो होंगे या फिर के या गोनेडल होंगे। so, बड़ा से उल्टा भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सेकेंड मैसेंजर से एक्ट नहीं करता है या सर, सेल पर रिसेप्टर होंगे किसके इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर होंगे इस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आया है कि इनमें से कौन एक कॉमन सेकेंड मैसेंजर नहीं है जो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में इन्वॉल्व होता है उस टाइम पर आंसर था सोडियम याद रखिए कैल्शियम इज एन इंपॉर्टेंट सेकेंड मैसेंजर सोडियम इम्पॉर्टेंट सोडियम सेकेंड मैसेंजर की तरह एक्ट नहीं करता इसीलिए मैंने वो लिस्ट बना दी थी कि वो जो सेकेंड मैसेंजर्स है वो वो कौन कौन है और तीसरा ये जो कैस्केड मैंने आपको बताया कि क्यों हॉर्मोन थोड़े से अमाउंट में सिक्रीट होकर के भी इतने वाइड स्केल लेवल पर एक्शंस क्रिएट कर सकता है

सिंप्लीफाई कीजिए नीट के लेवल तक रहिए जब कभी टाइम मिला तो मैं आपको जो बाकी है कि कैल्शियम कैसे ऐड करता है सी जी एम पी कैसे ऐड करता है इनोसिटोल फॉस्फेट डाई असाय, डाई असाइड ग्लिसरॉल कैसे ऐड करता है ये भी हम कभी डिस्कस करेंगे यहाँ पर मैंने आपको साइक्लिक ए एम पी वाले पाथवे के बारे में जरूर आइडिया दे दिया है ताकि आप सेकेंड मैसेंजर को समझ सकें होप दिस हेल्प्स थैंक यू सो मच